Good morning students. In previous video, I have told you about the functions of teeth, structure of teeth, the four different types of teeth, incisors, canines, premolars and molars. Then we have studied about the teeth growth, कि छोटे बच्चे के दांत नहीं होता है, फिर जब आने लगते हैं तो मिल्क टीथ आते हैं. At that time, the child's mouth contained 20 teeth. उसके बाद में वह टीथ टूटकर permanent teeth आते हैं. At that time, in the mouth, children have 28 teeth. And the last one is wisdom teeth. अगर किसी के wisdom teeth भी आ जाते हैं, that completes the 32 teeth in the mouth. Today we will study about the structure of teeth. अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखते हैं तो देखिए, ये एक दांत का डायग्राम है. उसमें मैंने, आप ये देखिए, हमें जितना दांत का पार्ट बाहर नज़र आता है वो है सिर्फ ये. देखिए, इस पेन के ऊपर वाला पार्ट जो है सिर्फ, हमें सिर्फ वही नज़र आता है, और इस पेन के नीचे वाला पार्ट जो है वो रूट कहलाता है, दैट इज़ जड़. जैसे एक प्लांट की रूट होती है ज़मीन के अंदर, वैसे हमारे गम्स के अंदर ये जो टीथ की रूट होती है, ओके. और ऊपर वाला पार्ट कहलाता है क्राउन. जो हमें नज़र आता है वह है क्राउन पार्ट. जो वाइट कलर का जो एक लेयर है हमारे दांत के ऊपर, दैट इज़ नोन एज इनेमल. एंड दिस वाइट इनेमल दैट कवर्स द टीथ इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आर बॉडी. हमारी बॉडी में अगर कोई सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो वह है ये इनेमल. बोन से भी हार्ड होता है ये, ओके. क्राउन इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ, जो हमें नज़र आता है, दैट पार्ट इज़ नोन एज क्राउन. रूट इज़ द एंकर ऑफ टूथ दैट एक्सटेंड्स इन टू द जॉ बोन. जो हमारी जॉ बोन के अंदर, मतलब गम्स के अंदर और जॉ बोन के अंदर जो गड़ा हुआ होता है, दैट इज़ नोन एज रूट ऑफ द टूथ, ओके. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नोन एज टाइप्स ऑफ टीथ. मैंने चार पहले जो डायग्राम्स बना रखे हैं, ये देखिए, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, दीज आर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, ओके. नाउ वी विल स्टडी दीज इन डिटेल. अब इस स्ट्रक्चर में जब हम टीथ देखते हैं तो देखिए, ये एक ओपन माउथ का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है. अगर हम इसके अंदर देखें तो 16 टीथ ऊपर हैं और 16 ही टीथ नीचे है. 16 प्लस 16, दैट इज़ 32. दिस इज़ अ कम्प्लीट सेट ऑफ 32 टीथ, जिसमें मैंने ये डिवाइड कर रखे हैं. देखिए, अगर हम फ्रंट टीथ को देखते हैं, ये जो सेम चीज़ जो लेबलिंग है वह सेम टीथ की ऊपर भी होती है. ऊपर के चार दांत और नीचे के ये चार दांत, ओके, दीज आर नोन एज इंसीजर्स. फर्स्ट फोर टीथ ऑफ अपर जॉ एंड ऑफ द लोअर जॉ, दीज आर नोन एज इंसीजर्स. इस इंसीजर्स के पास में अगर आप देखें, जो तीखा तीखा जो दांत होता है हमारा, दैट इज नोन एज केनाइन. उस केनाइन के बाद में जो दो दांत हैं वो कहलाते हैं प्री मोलर्स. एंड लास्ट में जो तीन, जो हम दाढ़ के, जिसको हम दाढ़ कहते हैं, दीज आर नोन एज मोलर्स. नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दीज टीथ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसीजर्स. इंसीजर्स आर दोज फोर टीथ, ओके, जो चार ऊपर और चार नीचे जो हमारे फ्रंट में नज़र आते हैं, दीज आर नोन एज इंसीजर्स. दीज आर यूज फॉर बाइटिंग, दैट इज़ काटने के. अगर आप एप्पल काटते हैं तो कौन से टीथ से कट करेंगे? इंसीजर्स से, फ्रंट माउथ से, ओके. सो दीज इंसीजर्स आर टोटल इन 8 इन नंबर्स, मतलब चार ऊपर और चार नीचे. सो दीज आर टोटल इन 8. नेक्स्ट वन इज केनाइन, जो मैंने आपको बताया था, तीखे तीखे जो दांत होते हैं. अगर आपने शेर के देखे होंगे, तीखे तीखे दांत, क्योंकि वो फ्लैश खाता है, उस फ्लैश को टीयर करने के लिए. केनाइंस का यूज़ क्या है? फॉर टीयरिंग, दैट इज टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए उस फ्लैश को. दीज आर नोन एज केनाइंस. तो हमारे पास भी फोर केनाइंस हैं इंसीजर्स के चारों तरफ, ओके. जो फोर इंसीजर्स ऊपर हैं और जो फोर इंसीजर्स नीचे हैं, उन चार दांत के ऊपर एक एक और नीचे वाले चार दांत के साइड में एक एक. दीज आर नोन एज केनाइंस. दिस इज यूज फॉर टीयरिंग. दीज आर टोटल फोर इन नंबर्स, टू ऊपर और टू नीचे.
नेक्स्ट इज प्री मोलर्स. दीज प्री मोलर्स, जो कैनाइन के बाद वाले जो दो दांत मैंने बताए थे, दीज आर नोन एज प्री मोलर्स, यूज फॉर क्रैकिंग एंड क्रशिंग, किसी चीज़ को क्रश करने के लिए, ओके उस चीज़ को तोड़ने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में, दैट इज़ नोन एज क्रशिंग, उसको क्रैक करने के लिए. जैसे अगर आप कोई चीज़ खाते, सपोज़ अगर आप मुँह से अगर मूंगफली खाते हैं तो अगर उसके छिलके को अगर आप तोड़ना चाहें, अखरोट खाते हैं तो आप कैसे साइड में उसको रख के, दांतों के फ्रंट से नहीं तोड़ते हम, साइड में. सो दीज आर नोन एज प्री मोलर्स, वहाँ पे प्री मोलर्स हमारे टीथ काम आते हैं फॉर क्रैकिंग एंड क्रशिंग. दीज आर टोटल 8 इन नंबर्स, ओके. हाउ हाउ दीज आर 8, लुक हियर, टू दिस साइड, टू दिस साइड, टू हेयर एंड टू हेयर. So these are known as premolars. These are 8 in numbers. Next one is molars, जिसको हम dard कहते हैं, जो last में. Okay, wisdom teeth भी इसी के अंदर calculate होते हैं. So these are used for grinding, किसी चीज़ को बहुत grind करने में, मतलब पीसने में. Okay, so these are 12 in numbers. L कैसे हुए? ये देखिए, 3 here, 3 here, 3 here. And 3 here. So these are total 12 in numbers. So all these teeth are total 32 in numbers. 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars. So total number of adult teeth are 32. Now in last, we will study about the plaque. अगर आप देखें, जो आपके दांत के ऊपर एक येलो कलर की परत जम जाती है, अगर आप प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, जो हम लोग के जो एक रूल बना हुआ है दैट वी हैव टू ब्रश ट्वाइस अ डे, वंस इन द अर्ली मॉर्निंग एंड वंस एट द बिफोर द स्लीप, ओके. अगर आप वो नहीं करते हैं तो एक प्लेक डेवलप हो जाता है आपके दांत के ऊपर, दैट इज व्हेन स्टफ्ड फूड रॉट्स आवर टीथ. जब खाना जो चिपका हुआ है हमारे दांतों में, हमारे दांतों को खराब कर देता है, रॉट मतलब खराब, एंड इट गेट्स कवर्ड विद द थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स, और एक छोटी जो एक लेयर, पतली पतली लेयर जो हमारे दांतों के ऊपर जमना शुरू हो जाती है जर्म्स की, दिस स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड एज प्लेक. और वह जो लेयर है, जो ये आप कहते हैं, जो हमारे दांत पीले होते जा रहे हैं, वह जर्म्स की जो लेयर है, दिस इज दैट इज नोन एज प्लेक. सो दिस इज ऑल अबाउट आर टीथ. थैंक यू.